फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और उन बच्चों के अभिभावकों, मुझे ये कार्य करने में बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को जागरूक करने में, स्वास्थ्य हो या डिफरेंट कोर्सेज हो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं पचमढ़ी में ₹50 रोज की गाइडिंग किया करता था 10th क्लास तक। और जब मैंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया तो मुझे कुछ भी कोई भी बताने वाला नहीं था। और वो जो पीड़ा थी, वो जो दर्द था, कैसे एग्जाम देना, फॉर्म कहां से मिलेंगे, क्या होगा, उस वक्त सिर्फ पीएमटी हुआ करती थी, और वो मैं आज भी मेरे भीतर महसूस करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार मिले। अब इंटरनेट आने से बहुत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, गूगल सर्च वगैरह, लेकिन गूगल सर्च आपको एक्चुअल चीज तो नहीं बताता ना कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है मेडिकल स्टोर से, जब वो पैसे खा लेता है तो क्यों फार्मेसी वालों को जॉब लॉस होते हैं लाखों की संख्या में, तो ये तो गूगल सर्च पे नहीं लिखा रहेगा। तो जो बिल्कुल भीतरी इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो भी ब्रांचेस हैं उन सबके में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स के साथ में एनालाइज करके आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सा करियर ऑप्शन बेहतर है, वो ऑप्शन आपको देना चाहता हूं। तो बच्चों, अभी अभी आपने नीट दिया है और 5 जून को आई थिंक रिजल्ट आएगा, 15 जून को काउंसलिंग होगी। आप में से लाखों लोगों में से कुछ हजार लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और लाखों लोग नहीं होंगे सिलेक्ट, तो क्या जीवन बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके पास, उनमें से एक मैंने ये वाला कोर्स जो बीएसएलपी का आपको बताया, दूसरा फार्मेसी बी फार्मा के बारे में बताया, लेकिन मैं बीएसएलपी ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटी देता है और ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बहुत कम सीट्स है इंडिया में और कॉम्पिटिशन बहुत कम है, इसलिए मैं उसको इतना स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। लेकिन देखिए, या तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं या फिर आप लोग बेल टैप करके नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उसके बाद के नए वीडियोज में ना कि आप पुराने वीडियोज पे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? तो मेरी अनुरोध है कि आप बेल टैप करके रखिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे और भी कोर्सेज के वीडियो आने वाले हैं और मैं आपको सलाह दूंगा कि हर एक कोर्स की आप जानकारी रखिए, फिर अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि वही ले जो मैंने कह दिया वो लेना है, आप सारी चीजों के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान आपके अनुसार क्या है, किसमें क्या प्रेफरेंसेस आपकी क्या है, किस शहर में रहना, उस अनुसार से डिसीजन लीजिए। तो आज जो ये तीसरा सब्जेक्ट, मैंने पहले बीएसएलपी लिया, फिर बी फार्मा लिया, और तीसरा जो आप ही लोगों ने वोट दिया है जो सबसे ज्यादा है वो है वेटनरी के बारे में। आप लोग जानना चाहते हैं वेटनरी डॉक्टर्स कैसे बनते हैं, ठीक है? तो इस पर मैं आपको डिटेल कॉल तो नहीं, लेकिन उसमें फायदे हैं क्या नुकसान है वो बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, एक तो जो आपने नीट अभी अभी दिया ना, सेम प्रिपरेशन से आप वेटनरी के जो एग्जाम्स होते हैं, ऑल इंडिया एग्जाम होता है और स्टेट कोटा के एग्जाम्स होते हैं, ये दोनों एग्जाम्स दे दीजिए। कहीं कहीं डेट्स निकल गई हैं, जैसे मध्य प्रदेश की डेट 7 मई को खत्म हो गई है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में बची होगी, और इस साल उनकी ऑल इंडिया जो टेस्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई उनकी बॉडी में, तो ज्यादातर जो सीट्स हैं वो स्टेट कोटा से स्टेट टेस्ट से भरी जा रही है, जहां पर उस स्टेट के मूल निवासी चाहिए होते हैं। नीट का इस बार का कट ऑफ ऐसा उम्मीद है कि अनरिजर्व कैटेगरी में अराउंड 540 के करीब होगा, जब एमबीबीएस के लिए, और रिजर्व कैटेगरी में अराउंड 400 एससी के लिए जा सकता है, ओबीसी के लिए लगभग अनरिजर्व से हल्का सा कम 530 मान लीजिए, लेकिन ये कट ऑफ हमेशा चेंज होते रह सकते हैं, ये मेरा फाइनल वर्जन नहीं है। साथ ही साथ में बीएमएस वगैरह और जो बीएनवाईएस वगैरह पूछ रहे थे बच्चे, बीएचएमएस, तो इनका कट ऑफ मुझे लगता है जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स तक रहना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में, और बीडीएस में भी काफी कम कट ऑफ की उम्मीद है। और मैं बीडीएस के लिए आप लोगों को बोलूंगा कि बहुत सोच समझ के ज्वाइन करें, क्योंकि बीडीएस ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं उन फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे पहली बार डॉक्टर बन रहे हैं और जो रिच नहीं है खासकर फैमिली से। बीडीएस एक एक्सपेंसिव कोर्स भी होगा, क्योंकि इसके बाद आपको एमडीएस करना होगा, हो सकता है उसमें सीट्स बहुत कम होती है एमडीएस में, तो आपको डोनेशन से जाना पड़े, और साथ में उसका क्लिनिक सेटअप भी बहुत मुश्किल है और जॉब्स बहुत कम है बीडीएस में, बीडीएस के बाद, तो प्लीज उसको बहुत सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। तो मैं आज जो आपको एमबीबीएस के बाद, यदि मुझे मौका मिले, यदि मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं होता तो मैं अपने लिए कोई कोर्स ऐसा जिसमें डॉक्टर प्रीफिक्स भी लग सके चुनता, तो वो डेफिनेटली वेटनरी होता, ठीक है? मैं बाकी और कोई कोर्स नहीं चुनता अपने लिए, वो मैं बताने वाला हूं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है? तो वेटनरी जो है, वेटनरी साइंस जो होता है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी भी उसमें इंक्लूडेड होता है। इसका नेशनल टेस्ट स्टेट टेस्ट होता है, इस समय स्टेट कोटा बहुत जगह ओपन भी हो सकते हैं, उसे डेट डालिए, जिन लोगों की नीट में
ठीक ठाक भी मार्क्स हैं 400 के अराउंड भी है उनके भी सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन डेफिनेटली कम होगा. ऐसे बच्चे जो नीट के करीब हैं वो डेफिनेटली वेटनरी के एंट्रेंसेस को निकाल सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स से. क्या 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 प्लेसमेंट्स हैं? देखिए वेटनरी साइंसेस में बैचलर के बाद एक तो आप डॉक्टर प्रीफिक्स लगा सकते हैं जो कि बीएसएलपी कोर्स जो ऑडियोलॉजिस्ट का था उसमें नहीं लगा सकते. हालांकि तो मैं पहले नंबर पर वेटनरी रखूंगा, दूसरे नंबर पर ऑडियोलॉजी, उसके बाद में बाकी रखना चाहूंगा बीएमएस बीएचएमएस और आप जो भी बीएनवाईएस या लेकिन आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं. तो वेटनरी में क्या है, एक तो आपको बैचलर होते ही साथ निकलते साथ 40-50 हजार सैलरी के जॉब्स हर किसी को 100% प्लेसमेंट्स है. इंजीनियर्स के प्लेसमेंट नहीं होते ना 100%, इसमें 100% प्लेसमेंट्स है. ठीक है 40-50 हजार रुपए की स्टार्टिंग सैलरी से आपको प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे. आर्मी में आप सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं आर्मी के लिए. आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं उसकी पीजी डिग्री, जिसके बाद आप फिर मेडिकल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में. आप रिसर्च साइट पर जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं पीएचडी वगैरह करके. साथ ही साथ में जो फार्मा कंपनीज जो भी होती है ना, जो हम डॉक्टर्स जो ह्यूमन बींग्स की दवाएं लिखते हैं उन सब में एनिमल रिसर्च होती है दवाओं पर. तो फार्मा कंपनीज जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े कॉर्पोरेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स भी उनको अपने साथ रख लेते हैं. फिशरी इंडस्ट्रीज जहां पर एक्वेरियम है, जहां फिश है वहां पर, या फॉरेस्ट में जो वाइल्ड लाइफ है उसमें बेहद अच्छे जॉब्स हैं. और सबसे बड़ा एडवांटेज न्यूजीलैंड कनाडा डेनमार्क ये इन इस टाइप के जो बहुत ही अच्छी कंट्रीज हैं दुनिया की, इनमें सब में जॉब ओपनिंग्स हैं वेटनरी डॉक्टर्स की. और अंत में सबसे ज्यादा अच्छा जो मैं बोलता हूँ हर फील्ड के लिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन. तो वेटनरी डॉक्टर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो गवर्नमेंट की ओर से नार्डा क्या नाम है इसका कोई संस्था है ना, वो 1 करोड़ का लोन देती है यदि 5 वेटनरी डॉक्टर्स मिल जाएं और 1 करोड़ रुपए का सेटअप वो शुरू कर सकते हैं, जिसमें वो डिफरेंट तरह का पॉली क्लिनिक शुरू कर सकते हैं. अलग अलग चीज, कोई डॉग को ट्रीट कर रहा है, कोई शीप्स को कर रहा है, कोई गायों को कर रहा है. तो इस तरह का वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. आपको चाहिए कि अब इसमें डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही नजर आता है कि लोगों को लगता है कि जानवरों का डॉक्टर. यार आपको तो पता है जानवर इंसानों से कहीं बेहतर है. सोशल मीडिया पे थोड़ी सी पोस्ट वोस्ट पढ़ लीजिए आपको समझ जाएगा. ठीक है जानवर और एक्चुअली इंसान भी बस कपड़ों वाला जानवर ही तो है. तो यदि आपको एनिमल से प्यार है जरा भी, जो कि प्रकृति और हमारे ही हिस्से हैं, हमारा डीएनए उनसे बहुत मिलता है. यू नो ना चिंपांजी से हमारा डीएनए 98-99% मिलता है. ठीक है अदर एनिमल से 80-90% तक मिलता है. हम लोग एक सी कोशिकाओं से बने हुए हैं तो उनको ट्रीट करो यार, बहुत प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको ट्रीट करो और उनसे पैसे कमाओ, अपना घर चलाओ और साथ में इज्जत से रिस्पेक्ट से. साथ ही साथ में जो मेडिकल साइंस आजकल जो एमबीबीएस में लड़ाई झगड़े होते हैं, एमबीबीएस फील्ड में एमडी में मारपीट होती है डॉक्टर्स के साथ आए दिन, वो इसमें इस फील्ड में नहीं है. ठीक है तो वेटनरी बेहद अच्छी फील्ड है इस टैबू को यदि आप निकालने के लिए तो जानवरों का डॉक्टर है. ठीक है और ये मैं बात कर रहा हूं, मैंने प्रोफेसर हैड वेटनरी कॉलेज से आप लोगों के लिए मैंने पूरा वर्कआउट किया, मैंने बहुत सारा पढ़ा, मैंने स्टूडेंट से मिला, प्रोफेसर से मिला इस वीडियो को बनाने के पहले. तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेश शर्मा ने जो कि फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी के हेड हैं एक वेटनरी कॉलेज में, उनसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज में वेटनरी के, उनसे पूरी काफी सारी जानकारी ली. और मैंने फिर अंत में उनसे पूछा, एक लाइन में पूछूं आपसे कि ये करियर कैसा है स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्होंने बोला आउटस्टैंडिंग, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है. ठीक है तो यदि नीट जब आप दे चुके हो खासकर 3 अटेम्प्ट और आपका ड्रॉप लेने का इरादा नहीं है या ड्रॉप लेने वाले हैं तो भी आप एग्जाम से दिया कीजिए, उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है. ठीक है एक सा पैटर्न है, एक सी लगभग स्टडी है, तैयारी एक सी है. तो वेटनरी का एग्जाम दीजिए, निकालिए, वेटनरी डॉक्टर्स के लाइए, डॉक्टर के लाइए और आर्मी से लेकर अब्रॉड तक, गांव से लेकर बड़े शहर तक, जहां सेटल होना सेटल होइए. इसकी एडमिशन प्रोसेस वगैरह फी वगैरह ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि गूगल सर्च पे बहुत आराम से मिल जाएगी. अपनी स्टेट का नाम डालिए और वेटनरी एंट्रेंस डालिए, आपको आसानी से मिलेगा. सैलरी रेंज क्या है, तो मैंने बताया था 40-50 थाउजेंड से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी जो कि बढ़ती जाएगी, 4-5 लाख तक आराम से आप अर्न कर सकते हैं थोड़े सीनियर होने पर. थैंक यू वेरी मच. आपका अभिभावक आपके बड़े भाई का रोल अदा करने आया हूँ यूट्यूब पर. और कोई लाभ या नुकसान की परवाह नहीं.